नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फ्रॉम आहाना होम द्वारका मोड से। गाइज, आज का जो ये हमारा फ्लैट है, आज मैं आपको एक फ्लैट दिखाने वाला हूँ जो कि 2 BHK 60 स्क्वायर यार्ड यानी कि 60 गज में ये बना हुआ है। और लोकेशन की अगर बात करें तो सिचुएटेड है मोहन गार्डन में। यहाँ से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा वो रहेगा नवादा मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन यहाँ से तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर पे आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। ये जो फ्लैट है, फ्रंट साइड का फ्लैट है, स्पेशियस फ्लैट है, बहुत वेल प्लानिंग इसकी फ्लैट की गई है। तो गाइज, करते हैं वीडियो कंटिन्यू और दिखाता हूँ आपको ये 2 BHK का एक बहुत ही शानदार फ्लैट। इससे पहले हमारे YouTube चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन और गली का व्यू दिखाता हूं, फिर हम दोबारा आपको मिलेंगे फ्लैट पे। तो गाइज, करते हैं वीडियो कंटिन्यू। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम एंटर करते हैं अपने फ्लैट पे तो हमारा आता है लिविंग रूम। लिविंग रूम की दोस्तों अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो तकरीबन 14x10 के आसपास आपको ये बहुत ही शानदार लिविंग रूम देखने को मिलेगा। टीवी कैबिनेट की बात करें तो बहुत ही बिग साइज़ में आपको टीवी कैबिनेट मिल जाएगा। इंटरकॉम फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड करके मिल रही है। जो आपकी डिश टीवी की वायर होती है वो भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे दी गई है। टीवी आप यहाँ पे बड़े से बड़ा साइज का टीवी इजली लगा पाएंगे। नीचे आपको 2 ड्रॉर मिल जाते हैं जिसमें आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। बात करते हैं सोफे की प्लेसमेंट की, तो सोफा आपका यहाँ पे एल टाइप का पूरा सोफा विद सेंटर टेबल के साथ यहाँ पे लग सकता है। वॉलपेपर की बात करें तो 3D लुक में आपको बहुत ही शानदार वॉलपेपर देखने को मिलेगा। और एक बार सीलिंग का डिज़ाइन, लिविंग रूम का सीलिंग का डिज़ाइन देखें, बहुत ही शानदार सीलिंग का डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा लिविंग रूम का पार्ट है और अब हम बताएंगे आपको कि लिविंग रूम के साथ में एक आपको यहाँ पे बेसिन का पार्ट दिया गया है और हमारा कॉमन वॉशरूम यहाँ की तरफ है, यानी कि वॉशरूम आप देख सकते हैं। पूरा स्पेशियस वॉशरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टैब, सैनिटरी फिक्सचर, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट होके मिलने वाली है। तो जब आप वॉशरूम से आएंगे तो बाहर आपको यहाँ पे आप अपना हैंड वॉश वगैरह इजिली कर सकते हैं। नीचे आपको स्पेस मिल जाता है प्रॉपर, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बेसिन मिल जाता है। देन हम बात करेंगे कि करके अपने किचन की, फिर फर्स्ट बेडरूम और फिर सेकंड बेडरूम, और बालकनी जो है वो फ्रंट साइड में ओपन होती है। बीच में आपको एक सुंदर सा लॉबी का स्पेस मिल जाता है। लॉबी के ऊपर आप देख रहे होंगे पूरा सीलिंग का डिज़ाइन बनाया गया है, लाइटिंग यहाँ पर प्रॉपर की गई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी किचन से। तो ये हमारा किचन सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्पेसियस किचन है, काफ़ी अच्छी किचन ये बनाई गई है। साइड में नीचे आपको यहाँ पे टाइल वर्क दिया गया है। और स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस आपको प्रॉपर दिखाना चाहूँगा एक बारी। स्पेस आप देख सकते हैं, पूरा स्पेस आपको यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह का देखने को मिलेगा। चिमनी यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे हमने प्लेस करके दे दी गई है। नीचे जितनी भी बास्केट्स होती है सभी बास्केट्स आपको यहाँ पे प्रॉपर लग के मिलेगी। और आरओ सेक्शन के लिए अलग से, आरओ के लिए अलग से जगह डिफाइन कर दी गई है। टैब, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट होके मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे अपने फर्स्ट बेडरूम की, तो चलिए फर्स्ट बेडरूम में लेके चलता हूँ मैं आपको। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है और फर्स्ट बेडरूम में वॉलपेपर देख सकते हैं, 3D लुक में आपको वॉलपेपर मिल जाएगा। एक बार आशीष जी सीलिंग का डिज़ाइन दिखाएं, काफ़ी बढ़िया सीलिंग का डिज़ाइन मिल जाता है आपको यहाँ पे। और बात करें स्प्लिट एसी की, तो स्प्लिट एसी के लिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पाइपिंग यहाँ पे करती गई है, फिटिंग। देन अलमीरा के स्पेस की बात करें तो स्पेस आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा कवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक छोटा सा स्पेस आपको
यहाँ पे मिल जाता है, जो ड्रेसिंग टाइप यहाँ पे बनाया गया है। दो नीचे आपको ड्रॉर्स मिल जाएंगे, ऊपर आपको छोटे छोटे पार्टीशंस देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड बेडरूम की। तो सबसे पहले जब हम सेकंड बेडरूम में एंटर करेंगे, तो सबसे पहले रूम की साइज़ की बात करेंगे, तो 14x10 के आसपास का आपको काफ़ी स्पेशियस बेडरूम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वॉलपेपर की बात करें तो 3D लुक में बहुत ही शानदार वॉलपेपर आपको देखने को यहाँ मिलेगा। सीलिंग का डिज़ाइन देखें, रूम का प्रॉपर सीलिंग का डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन इस बेडरूम के साथ एक अटैच टॉयलेट आपको मिल रहा है, तो अटैच टॉयलेट का साइज आप देख सकते हैं, प्रॉपर अटैच टॉयलेट का साइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सैनिटरी फिक्सचर्स, टैब्स, शावर्स, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको कंप्लीट होकर मिलेगी। एक छोटी सी विंडो का प्रोविज़न आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रॉपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। देन बात करते हैं वेंटिलेशन की, तो विंडो का प्रोविज़न आपको मिल जाता है, एक ऊपर छोटी विंडो मिल जाती है, जिसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्विचेस दिए गए हैं, ताकि आप अपना AC जब यहाँ इंस्टॉल करेंगे तो आपको कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हम बात करेंगे अपने बालकनी सेक्शन की। तो गाइज़ ये हमारी बालकनी सेक्शन है। SS की ग्रिल आपको यहाँ पर लगा के दी गई है, काफ़ी हैवी क्वालिटी में यहाँ पर आपको ग्रिल मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में ही ये हमारा फ्रंट साइड का फ्लैट है, फ्रंट साइड में गली आपको मिलने वाली है 20 फीट की, और आसपास घर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार आपको घर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लोकेलिटी बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और बालकनी सेक्शन में टैब के प्रोविज़न दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस दिए गए हैं, ड्रेनेज के पॉइंट है, तो वॉशिंग मशीन आप अपनी ईजिली यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 2BHK का 60 गज का बिल्डर फ्लैट है, जो कि सिचुएटेड है मोहन गार्डन में, और यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहने वाला है नवादा मेट्रो स्टेशन। चाहे तो आप द्वारका मोड़ भी जा सकते हैं। ई रिक्शा कनेक्टिविटी, गली से बाहर निकलेंगे ई रिक्शा आपको मिल जाएगा, तो सीधा आप मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके कि आपको इस पर जो लोन है वो आपको हम 85% से 90% तक इसमें आपको होम लोन ईजिली मिल सकता है। फाइनेंस ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, और बहुत ही शानदार फ्लैट है, नक्शा बहुत बढ़िया वेल प्लान तरीके से इसको बनाया गया है। तो इस फ्लैट से अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए लोन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको विजिट करना है ये फ्लैट, तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें। तो आज का अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। और इसी तरीके से आपके लिए बहुत सारे फ्लैट्स, जड़ से मकान, खाली प्लॉट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।